हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टैग्स के बारे में स्टडी किया था। उनमें कुछ नए टर्म्स आए थे, जैसे कि एट्रीब्यूट था, एलिमेंट्स थे और कई सारे टर्म्स थे। अब उनकी टर्म्स को स्टडी करेंगे, समझेंगे और कुछ नए टर्म्स भी सीखेंगे। एचटीएमएल टैग्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हम उसे रिकॉल करते हैं। वेब पेज एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जो कि एचटीएमएल कोड्स में डिफाइन होता है, उसे ही हम टैग्स बोलते हैं। टैग एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो कि एंगल ब्रैकेट से अटैच्ड रहता है। अगर ब्रैकेट हम नहीं यूज करते तब वेब ब्राउजर उसे कमांड के तौर पे एक्सेस नहीं करेगा, एज अ टेक्स्ट ही उसे रिप्रेजेंट करेगा। टैग ही वेब ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज पे डॉक्यूमेंट को कैसे डिस्प्ले कराना है। टैग एट्रीब्यूट्स, अब ये टैग एट्रीब्यूट्स क्या होता है, लेट्स स्टडी। कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स से मतलब है जो टैग के अंदर टैग्स यूज होंगे उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। टैग्स को और ऑप्शन प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट। एग्जांपल से समझते हैं। ऑन टैग में कलर एट्रीब्यूट है। इस टैग को यूज करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। नोइंग टैग्स, एचटीएमएल के एलिमेंट या एचटीएमएल टैग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है हमारा कंटेनर एलिमेंट, दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करना होगा। तक हमने जितना भी HTML पढ़ा उसके अंदर से क्वेश्चन रहेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। HTML में ज्यादातर टैग्स में ऑन टैग और ऑफ टैग का यूज रहता है। ऑफ टैग एज इट इज ऑन टैग के जैसे लिखा जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ओपनिंग ब्रैकेट के बाद स्लैश साइन का यूज करते हैं। अगर हमने ऑन टैग में स्लैश साइन का यूज कर दिया वो ऑफ टैग बन जाएगा, यानी क्लोजिंग टैग। जिस टैग में ऑन और ऑफ टैग का यूज होता है उसे ही हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। ऑन और ऑफ टैग को ही हम ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एंगल ब्रैकेट है स्टार्टिंग में ओपनिंग टैग है, उसके बाद हमने टेक्स्ट दिया है, टैग के साथ इसे क्लोज किया है टाइटल टैग को, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। टेक्स्ट के पहले जो लिखा है वो ओपनिंग टैग है, क्योंकि वहाँ पे स्लैश का साइन नहीं लगा। और यहाँ पे हमारा कंटेनर टैग टाइटल होगा, क्योंकि टेक्स्ट को टाइटल टैग ने होल्ड करके रखा है। एम्प्टी एलिमेंट, ये क्या होता है एम्प्टी एलिमेंट? जिस एलिमेंट में केवल ऑन टैग हो वही एम्प्टी टैग कहलाता है, ऑफ टैग का यूज ही ना हो। एग्जांपल देखते हैं। चार टैग, इसका एक एग्जांपल और है बीआर टैग, जो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसका भी कोई ऑफ टैग नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। वर्कशीट की पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। वर्कशीट का सोल्यूशन आपको Q&A सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।